लेडी व्यूअर्स, 7:08 ये मेरी दूसरी मादी चीनी मादी जो है ये बैठ चुकी है 7:59 पे, मतलब 1 मिनट कम 8। तो ये कुछ आज मैं बताता हूँ आपको, ये बड़े कबूतर जितने भी थे, ये दूसरी कबूतरी है दरअसल, इनको पलटा पुलटा नहीं था भाई साहब ने, तो बिना पलटे पुलटे ही उड़ा दिया आज। तो खैर चलें, आज पहला दिन है, कोई चक्कर नहीं है, तो जैसे भी है, अच्छा है, मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहा हूँ मैं। तो जो नहीं उड़ा आज वो देखेंगे, उसकी रीज़न ढूंढेंगे क्या क्यों नहीं उड़ा। अभी मैं जब इनको देखूँगा पकड़ के तो फिर पता चल जाएगा। बाकी ये क्या कहते हैं, पोर्ट इसकी जो है काफ़ी भरी भरी लग रही है मुझे। तो ये यहाँ पे दो कबूतर लटके हुए हैं, एक मेरा और मेरे पड़ोसी का, ठीक है जी। तो चलें, बाकी अपडेट जो है आपसे शेयर करेंगे थोड़ी देर बाद। ये आया जी बटेरा कबूतर, बड्डी चीनी लिख रहे, बड्डी चीनी, ये है जी, ठीक है, ये आएगी बड़ी चीनी। तो ये हैं दो कबूतर ऊपर आए हुए, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइम से इधर ही उड़ी जा रहे हैं, नीचे 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 नीचे, मैं इनके चक्कर से मैं सलारा भी निकल आया है। तो गाइस, मैं फिर से वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल स्काई किंग इनके पिजन्स में, और आज जो भी हुआ वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और आज मेरे कबूतर सारे के सारे जो हैं, लास्ट कबूतर जो मेरा बैठा है 10:19 पे, तो खैर ये एक पार्ट एंड पार्सल है गेम का, कभी अच्छे उड़ते हैं कभी अच्छे नहीं उड़ते हैं। तो आज डे वन था, खैर कोई बात नहीं, आगे 2 दिन और बकाया है, मतलब अब 21 और 23 का दिन है बकाया। और खैर मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ या कोई ऐसा, मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि गेम में कोई एक्सक्यूज़ चलता नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा आपसे कि पहली बात तो कबूतर मेरे बीमारी में है, और दूसरा जो मुझे शॉर्टेज हुई कबूतरों की वो मैं आपसे शेयर करूँगा, कितने कबूतरों की मैंने परपटाई की, कितने कबूतरों से मैं उड़ रहा हूँ यहाँ पे। तो खैर जो प्रॉपर कबूतर जो जिनसे मैं उड़ रहा था वो 3 ही कबूतर थे, लेकिन वो 3 ही कबूतर जो थे इस टाइम पे वो वायरस की वो थे, चपेट में थे। इस चीज़ की गवाही जो है हमारे जो मुनसिफ आए थे वो भी दे सकते हैं, कबूतर जब बैठ रहे हैं नीचे तो कबूतर किस तरह से बैठे, और प्लस आंखें उन्होंने बंद की कर रहे थे, वो आंखों से भी वो उनको प्रॉब्लम है, और प्लस और भी इंटरनली जो वायरसेस जो हैं उनके पोर्ट से रिलेटेड वो भी हैं, हरी बीटे वगैरह जो भी ये कर रहे थे, लेकिन स्टिल मैंने कबूतर उड़ाए कि चलें जी, मतलब पल्ला मारते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैंने कल भी कहा था हार जीत मैटर नहीं करती है मेरे लिए, बस मेरे को शौक है और शौक रहेगा। अब नेक्स्ट जो 2 दिन हैं उसमें देखते हैं क्या होगा, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे मतलब दोस्तों के कबूतर अभी ऊपर हैं, तो जो भी आज का जो हिट परवाज जिसको जो जीतेगा तो उसको मैं ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, और जिसकी एवरेज अच्छी बनेगी उसको भी मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। और बीइंग ए ट्रू पिजन लवर, मैं अपने कबूतरों से काफ़ी खुश हूँ, और जिस तरह से मेरे कबूतर उड़े हैं मैं उनसे बहुत खुश हूँ, और मुझे ये चीज़ की खुशी भी है कि कबूतर मेरे सारे पूरे हो गए। तो खैर मैं जो था वो आपसे शेयर कर दिया मैंने, और कोई भी चीज़ मैंने आपसे छुपाई नहीं और ना ही मैं कभी छुपाऊँगा। तो खैर उस्तादियाँ वादियाँ मैंने नहीं लगाई थी कबूतरों के ऊपर, सिंपल सादे कबूतर उड़ाए थे मैंने, और जो हमारे मुनसिफ आए हुए हैं वो भी इस चीज़ को देख के या इस चीज़ को अगर वीडियो देखें तो इस चीज़ को वो भी एक्सेप्ट करेंगे। कोई छेड़ा नहीं था कबूतरों को, या जिस तरह से गर्म करना या ठंडा करना कुछ नहीं किया हुआ था, नॉर्मल सादे कबूतर मैंने उड़ाए हुए थे। और बाकी एक कबूतरी ने शायद धोखा दिया उसके लिए आज मुझे, जो स्टार्टिंग में पहले ही वो टंकी के ऊपर बैठ गई जाके। चले ये भी होता रहता है, कबूतर कभी उड़ते हैं कभी नहीं उड़ते हैं, और मेहनत जो करनी चाहिए थी जितनी करनी चाहिए थी शायद
उतनी मेहनत हम नहीं कर पाए या नहीं हुई, और उसी वजह से ये शायद कबूतर जो हैं अच्छे उतने नहीं उड़े। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे उड़ गए हैं, और इतना ही ये जिस हालत में थे ये बहुत अच्छा उड़े हैं, और इतना ही ये डिज़र्व कर रहे थे। क्योंकि जो अच्छे परिंदे होते हैं वो जब ज़ाया हो जाते हैं तो फिर पीछे आपके पास जो बाकी बकाया बच जाते हैं, जो वायरस में कबूतर जितने भी आए हुए थे मोस्टली वही कबूतर थे, और जो बड़े कबूतर मुझे निकालने पड़े वो मजबूरी में निकालने पड़े। मैंने 4 कबूतर इसमें बड़े डाले हुए थे, एक चीनी मादी थी, एक मेरा सलारा कबूतर, और एक मेरा जो था इसमें क्या कहते हैं डमरू, जो था डमरू भी बीमार था आपको पता है, मैं उसको नीचे लेके गया था। बाकी चलें जो हुआ सो हुआ, बातें करने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जो एक चीज़ थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी कि 10/19 पर मेरा लास्ट कबूतर बैठा, ये आज की फाइनल अपडेट। तो चलें मैं फाइनली शाम को अपना जो भी पर्चा पूर्चा जो भी है वो आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। तो अब आगे की तैयारी जो है वो भी क्या होगी, किस तरह से होगी, वो भी मैं शेयर करूँगा। चलें जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और चलें जी बस इतने ही रखते हैं इस वीडियो में। मैं शाम को आपसे अपनी पूरी डिटेल्ड वीडियो जो है वो शेयर करूंगा, कौन सा कबूतर कितने बजे बैठा। चलें जी, थैंक यू।